नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है बालों को स्वस्थ रखने से रिलेटेड, यानी कि 100 साल भी गंजे नहीं होंगे आप अगर ये चीज़ लगाते हैं बालों में, तो यानी कि आप अपनी पूरी उम्र तक गंजे नहीं होंगे, बाल आपके हमेशा रहेंगे। यही है आज का आप सभी के लिए टॉपिक। अगर आपके सर में बाल नहीं हैं और आप पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं तो आप समाज के बीच बहुत ही ज़्यादा कई बार अंदर से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बाल असमय, खास करके कम उम्र में जिनका झड़ जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कई बार जब जाते हैं बाहर। तो आइए जानते हैं आज हम सभी इस वॉइस ओवर के माध्यम से कि कैसे अपने बालों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है, वो भी ताउम्र। आजकल तो गंजेपन की समस्या आम बात हो गई है। गंजेपन का मुख्य कारण तो सबसे पहले हमारा खान पान है और उसके बाद प्रदूषण है। चिकित्सा के अनुसार गंजापन केवल हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जब भी आप इंग्लिश दवा की तरफ जाते हैं तो यही होता है, लेकिन आज हम आपको अपनी इस वॉइस ओवर के माध्यम से एक ऐसा घरेलू प्राकृतिक औषधि बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपका गंजापन दूर हो जाएगा और आपके सर में नए बाल उगना भी शुरू हो जाएंगे। इस प्राकृतिक औषधि का असर पहले ही इस्तेमाल में दिखाई देने लगता है। अगर आप पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं तो इससे नियमित रूप से अपने बालों में लगाइए, यानी कि सर में लगाइए, आपके लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। आइए जानते हैं औषधि और इसके इस्तेमाल के बारे में। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 50 ग्राम चुकंदर के पत्ते, 100 ग्राम नारियल का तेल और एक नीली कांच की बोतल लेनी होगी। अब 100 ग्राम नारियल के तेल में 50 ग्राम चुकंदर के पत्तों को अच्छे से मिला करके इसे नीली कांच के बोतल में भरकर 10 दिन तक के लिए धूप में रख देना है। 10 दिन पूरे हो जाने के बाद नीली बोतल में उस मिश्रण को निकाल लेना है उससे बाहर। फिर उस मिश्रण को नहाने के 1 घंटे पहले अपने सिर में लगा करके मालिश करनी है और अच्छे ढंग से मालिश करनी है। इसके बाद स्नान कर लेना है। नहाने के बाद अपने सर में नारियल का तेल जरूर लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपके सर में बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। यह कदम आजमाया हुआ सुप्रसिद्ध नुस्खा है। इस नुस्खे को प्रयोग में लाने से पूरी तरह से गंजे हो चुके लोगों के सर में भी नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। बस ध्यान रखें कि अपना खान पान सही रखें, यानी कि आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा इसके साथ साथ अच्छी होनी चाहिए और विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी उचित मात्रा में करना आवश्यक है। इसके बाद आपके बाल खुद ब खुद देखेंगे कि उगने लग गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।